हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाइट फाल्कन पब्लिशिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे राइटिंग हैक्स के बारे में टू बिकम अ ग्रेट राइटर। इफ़ यू नीड टू बिकम अ ग्रेट राइटर, आपको ये 8 राइटिंग हैक्स तो पता ही होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। फर्स्ट, कट द लॉन्ग वर्ड्स। लॉन्ग सेंटेंसेज डजंट मेक यू लुक स्मार्टर, इन फैक्ट इट्स क्वाइट अपोजिट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लॉन्ग सेंटेंसेज कम यूज करें व्हाइल राइटिंग अ बुक। शॉर्ट सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करो ताकि जो रीडर्स हैं वो रीड कर सकें अच्छे से और उन्हें वो चीज़ अच्छे से समझ आ सके। एंड जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, इट हेल्प्स द रीडर्स टू डाइजेस्ट योर कंटेंट, वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि आप क्या उन्हें बताना चाहते हो, क्या कन्वे करना चाहते हो, एंड इनकरेज देम टू रीडिंग। सेकेंड वन इज़ अवॉइड टू मेनी एडजेक्टिव्स। यू माइट थिंक द मोर एडजेक्टिव्स यू यूज़ द मोर एक्सप्रेसिव योर राइटिंग विल बी, बट दैट्स नॉट राइट। आप जितने एडजेक्टिव्स यूज़ करोगे उतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी वो। जितने ज़्यादा एडजेक्टिव्स आप यूज़ करोगे तो उसकी वजह से जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर कम फोकस जाएगा, एंड मे बी रीडर्स लूज इंटरेस्ट इन योर स्टोरी। सो यू मेक श्योर कि जब आप लिख रहे हो बुक तो एडजेक्टिव्स जितने कम यूज़ कर सकते हो उतने कम यूज़ करो। थर्ड वन इज़ गेट रिड ऑफ अननेसेसरी एक्सप्रेशंस। ऑलवेज कट एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन दैट डोंट ऑफर मच वैल्यू टू योर राइटिंग। हमेशा ध्यान रखो, कम एक्सप्रेशंस यूज़ करो, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग में मत बनाओ कि जो रीडर्स हैं जब वो आपकी बुक रीड करें तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएं। सो मेक श्योर कट द अननेसेसरी एक्सप्रेशंस। फोर्थ वन इज़ यूज मेटाफॉर्स। वन वे टू रियली स्पार्क योर राइटिंग इज मेटाफॉर्स। मेटाफॉर्स यूज करके आप अपने रीडर्स की इमेजिनेशन थोड़ी वाइड कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर है कि जो चीज़ आप उनको कन्वे करना चाहते हो थ्रू बुक, जो जिसे आप उनको थ्रू बुक बताना चाहते हो वो वही इमेजिन करें। सो यूज़ मेटाफॉर्स वाइल राइटिंग अ बुक। फिफ्थ इज एक्सपैंड योर वोकैबलरी। इफ़ यू वॉन्ट योर राइटिंग मोर कलरफुल, एक्सपैंड योर वोकैबलरी। अच्छे वर्ड्स यूज़ करो एंड उससे आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो अच्छे से वो फील कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे, वो स्टोरी को रिलेट कर पाएंगे। सिक्स्थ इज कंसिडर योर रीडर। इमेजिन yourself as a reader। अगर आप रीडर होते तो अगर आप वो बुक पढ़ते तो आपको कैसा लगता, आप कैसा फील करते, वो सोच के अपनी बुक क्रिएट करो, वो सोच के अपनी बुक लिखो कि जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, वो समझ रहे हैं, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं रीडर या नहीं कर रहे, वो सोच के आप वो मैसेज लिखो। सेवन्थ वन इज वॉच योर पंक्चुएशन। ऑलवेज चेक योर कॉमास एंड पीरियड्स वाइल राइटिंग अ बुक। अगर कुछ भी गलत यूज हो गया तो जो मैसेज है वो गलत अपोजिट वे में भी कन्वे हो सकता है। दे कैन मेक योर राइटिंग क्वाइट द अपोजिट। सो इसीलिए हमेशा वाइल राइटिंग अ बुक आप हमेशा पंक्चुएशन अपनी चेक करो कि कॉमास पीरियड्स सही लगे हैं या नहीं लगे हैं, यूज सही तरीके से हुए हैं या नहीं। ऑलवेज चेक वाइल राइटिंग अ बुक। एट्थ एंड लास्ट वन, लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मी माई सेल्फ एंड आई। यू लुक अनप्रोफेशनल इफ यू मिक्स दीज थ्री वर्ड्स वाइल राइटिंग अ स्टोरी लाइक मी माई सेल्फ एंड आई। हम स्टोरी लिख रहे हैं, हम नरेट कर रहे हैं, हम बुक राइट कर रहे हैं, तो हमें उसमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना कि हमें कैसा लगेगा या हमारा पॉइंट कैसा है, वो चीज़ नहीं है, हमें रीडर्स के पॉइंट से सोचना है। ऐसा ना लगे स्टोरी में कि सिर्फ हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम अपना पॉइंट बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्टोरी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आरसेल्फ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।